गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माय सेल्फ संदीप मेहरा, योर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडीिंग अबाउट चैप्टर 30 महात्मा गांधी। टुडे आवर टॉपिक इज दांडी। इससे पहले क्या है, साठ सत्याग्रह मूवमेंट की स्टार्टिंग के बारे में पढ़ चुके थे कि उसके कॉजेज क्या थे, किस कारण क्या है इंडिया के अंदर साठ सत्याग्रह मूवमेंट की स्टार्ट की, या इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे कि दांडी तक का क्या है, जो मोबाइल क्या था महात्मा गांधी जी ने, यानी वो वहां पर चलकर गए थे, उनकी जो यात्रा थी उसके बारे में हम बताएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या है, जो नमक कानून बनाया गया था, यानी अंग्रेजों ने क्या है एक साल्ट ला बनाया था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडियंस क्या है अपने घर पर अपने यूज के लिए क्या है साल्ट नहीं बना सकता। बल्कि नेचर ने क्या है इंडिया के मतलब जितने भी कोस्टल एरिया है वहां पर क्या है काफी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, नेचुरली फैसिलिटीज है इंडिया के पास की, वहां पर हम क्या है साल्ट बना सकते हैं बिल्कुल नामात्र की कीमत। तो इसलिए क्या है अंग्रेजों ने उसके ऊपर बैन लगा दिया और काफी साल्ट को क्या डिस्ट्रॉय कर दिया गया और कंडीशन लगा दी गई कि इनको सिर्फ क्या है अंग्रेजी जो ब्रिटिश के द्वारा साल्ट बेचा जा रहा है उसी को खरीदना पड़ेगा, जो काफी महंगा भी था। ये कह सकते हैं कि वो 15-20 गुना तक महंगा था नॉर्मल साल्ट। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या है 12 मार्च 1930 को अपने जो साबरमती आश्रम जहां पर वो रहते थे वहां से क्या है अपनी यात्रा स्टार्ट की, वहां से मोबाइल करना क्या है उन्होंने स्टार्ट किया, यानी चलना वहां पर शुरू किया। इस मूवमेंट के अंदर एक सबसे विशेष बात ये थी कि स्पेशल कि इसको क्या कवरेज किया जा रहा था मीडिया के द्वारा, मेनली यूरोपियन जो मीडिया थी वो क्या इसको कवरेज कर रही थी और वो बार बार क्या इसके बारे में बता रही थी कि कैसी सिचुएशन है, महात्मा गांधी जी कैसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये मतलब अब तक की किसी भी मूवमेंट में ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या है स्टार्टिंग के अंदर तो क्या है मजाक उड़ाया था महात्मा गांधी जी के बारे में, काफी ऐसी बातें कही थी जो क्या है उनके अगेंस्ट थी और कहा था कि अगले दिन तक ही गिर जाएंगे, इनकी यात्रा इस तरह से पूरी नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो ये सोच रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, मतलब ये एक मूवमेंट वैसे ही है, वो उनकी गलतफहमी थी। और लास्ट में 1930 के लास्ट दिसंबर तक आते करते ये मूवमेंट क्या है इंडिया के काफी एरियाज के अंदर फैल चुका था। तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने क्या स्टार्ट किया और लगभग क्या है 3 वीक्स के आसपास वो चले और वो अपने ठिकाने यानी कि गांधी क्या है 3 वीक के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के क्या है 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के वो अपनी स्पीच देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वाय का साठ सत्याग्रह, हमें साठ सत्याग्रह की जरूरत क्यों है लोगों को बोलते हैं। इससे के अलावा भी वो रास्ते में जहां भी रुकते थे वहां के लोगों को मोटिवेट करते थे, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो इंडिया से थे और ब्रिटेन के साथ क्या है गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे या ब्रिटिश ऑफिसर के साथ जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी इस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के वो साथ हो जाते हैं। तो वहां जाकर के वो बोलते हैं कि हमें साठ सत्याग्रह की रिक्वायरमेंट है। उनका कहना था कि साल्ट क्या है हर एक व्यक्ति की क्या एक जरूरत है, वो रिच भी हो सकता है पुअर भी हो सकता है, सबको क्या है नमक की जरूरत है और कोई भी गरीब व्यक्ति क्या है इतने ऊंचे दाम होंगे, जो अंग्रेजों ने क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया था जो उनको नॉर्मल जो साल्ट का रेट था उस समय का उससे लगभग 14-15 गुना ज्यादा कीमतों में मिल रहा था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें साल्ट सत्याग्रह की जरूरत है। इसके अलावा इस तरह से हम क्या प्रेशराइज भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि अब से इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस वगैरह होंगे या यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसके अंदर क्या इंडियंस का भी पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो इस तरह का प्रेशर बनाना चाहते थे, इसलिए कहते हैं कि हमें साठ सत्याग्रह की जरूरत है। दूसरी स्पीच उन्होंने दी कि टुमारो वी शैल टेक ब्रेक द साल्ट टैक्स ला, कि हम क्या है जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगा रखा है उस कानून को यानी नमक कानून को हम कल क्या है तोड़ देंगे। ये बात क्या है 5 अप्रैल 1930 की है और इसके ऊपर स्पीच दी कि हम क्या है कल से यानी 6 मार्च से क्या है महात्मा गांधी जी खुद क्या है इसके ऊपर क्या है नमक बनाकर के क्या है नमक कानून तोड़ेंगे। और इसकी जगह इंडिया के काफी जगह और भी जगह जहां पर ये मूवमेंट चल रहा था वो भी क्या है नमक बनाकर अपना पर्सनली नमक बनाकर के इस कानून को तोड़ देंगे और सभी इंडियंस को क्या है इसके लिए क्या है परमिशन दी जाएगी कि वो क्या है आगे से अपना नमक खुद बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये स्पीच दी और साथ ही उन्होंने क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चाहती तो मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे फर्स्ट डे भी क्या कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी या इसके अलावा जो भी क्या मेरे साथ चल रहे थे उनको अरेस्ट कर सकती थी, लाठीचार्ज करवा सकती थी, लेकिन हमने जो ट्रुथ के साथ हुए
ओइलेंस के साथ, यानी कि बिल्कुल नॉन ओइलेंस के साथ, मतलब हम यहाँ तक पहुंचते हैं, तो इसके लिए मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। यानी उन्होंने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी इसके अंदर क्या सराहना की, उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने किसी तरह की दखल अंदाजी इसके अंदर नहीं की। लेकिन अब तक क्या काफी इंडियंस, ये कह सकते हैं कि बड़े लेवल के ऊपर इंडियंस क्या है, गांधी जी के साथ हो चुके थे। अब जो यूरोपियन मीडिया दिखा रही थी, पहले महात्मा गांधी जी को ये कह रही थी कि बिल्कुल मतलब कमजोर से इंसान बोल रही थी, या इस तरह के कुछ वर्ड भी यूज किए गए हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, तो वही क्या है, गांधी जी की सराहना कर रही थी और ये बता रही थी कि किस तरह वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनकी क्या होती जाती है, पावर्स भी इंक्रीज होती जाती है। यानी अनेक जगह से जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो भी इनके साथ क्या है, मिलते जा रहे थे। तो इस वजह से क्या है, जो साल्ट ब्रेक ला था वो 6 अप्रैल 1930 को क्या है, तोड़ दिया गया। और ये इंडिया में मतलब काफी जगह एक साथ किया गया। जैसे ही साल्ट ब्रेक ला किया गया था, कम से कम 60,000 के आसपास क्या है, इंडियंस को क्या है, प्रिजन में भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। इसमें गांधी जी भी साथ में थे। और इसी बीच क्या है, इंडिया के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है, जो क्या है लंदन के अंदर, जिसमें इंडियंस को इनवाइट किया जाता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाता, क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या है, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है और अदर जो कांग्रेसी थे वो इसके लिए मना कर देते, क्योंकि कांग्रेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो गांधी जी को इसीलिए क्या है, जनवरी 1931 को क्या है, रिलीज कर दिया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाता है। और दोनों के बीच में जो वायसराय थे इंडिया के अंदर, लॉर्ड इरविन, और उनके और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1931 के अंदर होते हैं। ये डेट काफी बार पूछी जाती है इसके बारे में कि गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। इनके बीच में समझौता होता है, इसमें कहा जाता है कि इंडियंस को भी क्या है, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है, अब से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ की जो पार्लियामेंट बनेगी, उसके अंदर क्या है, इंडियंस भी शामिल होंगे। यानी इंडियन को भी वोटिंग के द्वारा यहाँ पर उनका जो हिस्सा है या शेयर है वो पर मिलेगा। तो इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाती है 1931 में, लास्ट में दिसंबर के आसपास की होती है। तो उसके अंदर इन्वाइट किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, महात्मा गांधी जी क्या है इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां भी उनकी बात को क्या है, मतलब ये कह सकते हैं कि इंपोर्टेंस नहीं दी जाती, और वो वैसे ही क्या है, इंडिया वापस आ जाते हैं। और आने के बाद दोबारा से इस मूवमेंट को क्या है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि जो अब क्या है, साठ सत्याग्रह की बजाय नाम इसका सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट रख दिया जाता है, यानी कि हम दोबारा से हमारा सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसको जारी रखेंगे। उस समय तक जो पहले लॉर्ड इरविन इंडिया के वायसराय थे 1931 के अंदर, लॉर्ड विल्सन क्या है इंडिया के नए वायसराय जाते हैं, इनको गांधी जी से कोई हमदर्दी नहीं थी। यानी जो लॉर्ड इरविन पहले गांधी जी से हमदर्दी रखते थे, उनके साथ क्या है बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं कि पीसफुली मतलब हैंडल करते थे बात को, लेकिन लॉर्ड जो विल्सन आते हैं वो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रखते। तो इस वजह से दोनों के बीच में आगे 42 तक, जब तक कि क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चलता, ये मूवमेंट क्या है चलता ही रहता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।